था। मैं तो बता रहा था बचपन में झाग बना के ऐसे बहुबीला बन जाते। नहीं ये झूठ है, बचपन में कोई भी बंदा बहुबीला नहीं बनता, झाग बनाने में तो मौत आती है। नाक में घुसे साबुन, मुंह में घुसा जाओ, आंखों में भी घुस जाएगा, ऐसे ऐसे करके देखो। जल्दी जाओ, तुम भी चलो भाई, यहाँ पे तुम लोगों ने टूथब्रश और क्या क्या खोला हुआ, चलो निकलो शाबा। मतलब कि इतना छोटा पार्सल भी दराज से, हद है दीदा। मैं यार क्या चीज है गाइस, ये देखो गाइस, ये पार्सल, ये देखो मैं तो ये पार्सल तक ये रिमोट के बंदे से मंगवाने का फायदा नहीं होता क्योंकि बंदा ला के देता नहीं है। भाई तेरी अम्मा की तरफ की, तू इधर किचन में आ गया, तू इधर शेफ बनने का बहुत शौक है, मेरी बात याद रख, इधर देख मेरी तरफ। भाई ये ज्यादा इन कामों में मत घुस, जब तेरी शादी होगी तो देख ले, शादी होगी तेरी नानी तेरे को बोला करी अदर किचन में मेरे को ये बना के दे, नाश्ते बना के दे, रात के खाने बना के दे, सच बता रहा हूँ। खतरनाक हो रहा है, खतरनाक निकाले में कैसे दिमाग, औलाद को भी मैंने संभालना है। हाँ नहीं तो आपकी औलाद पाउडरी है, बच्चे है, ये पाउडरी है, ये पाउडर सूंघ रहे हैं, ये ओए तक्कू क्या कर रहा है, ये समझते हैं अम्मा की फेंटी लग रही है, आगे अम्मा को फेंटने लग जाते हैं। बिल्कुल ना, बिल्कुल अपने बाप पे गया है, मैं चप्पी करने बहुत शौक अपने बाप पे गया है, मेरा सुकून बर्दाश्त नहीं। ओ भाई जितना तेरे को सुकून दिया है ना, सुकून रास नहीं है, आगे मेरे को फूल मारे, गुलदान मारने लगा था मेरे को। साहब क्या हो गया, ऐसा लग रहा है सारे पिट पिट आके बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का, उम्मीद करती सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में, और गाइस हमारे घर में जो तमाशा लगा हुआ है वो सबसे पहले आप लोगों को दिखा दी, इससे पहले कि वो मिस हो जाए। चलो भाई ये देखो, ये इन बाप बैठी ने ना, हेलो हरकतें चेक करूंगी, ना ना अपनी मूवमेंट नहीं होती इधर, देखें गाइस ये जो है ना वॉशरूम के बजाय कमरे में आके बाप बेटी मुंह धो रही है, देखो। हेलो हेलो बाजी, मैं तो बता रहा था बचपन में झाग बना के ऐसे बहुबीला बन जाते। नहीं ये झूठ है, बचपन में कोई भी बंदा बहुबीला नहीं बनता, झाग बनाने में तो मौत आती है। सुबह को देख के पता चलता है पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाक में घुसा साबुन, मुंह में घुसा जाओ, आंखों में भी घुस जाएगा, ऐसे ऐसे करके देखो। जल्दी जाओ, तुम भी चलो भाई, यहाँ पे तुम लोगों ने टूथब्रश और क्या क्या खोला हुआ, चलो निकलो शाबा, बहुत चमक रही हो, जाओ शाबा, चलो चलो निकलो। और ये मेरे एक जो है ना और मासूम से बच्चे जाग गए हो आप, आर यू कॉमेडी मी गाइस, अभी भी जागा ना जागा बराबर है, अभी हम लोगों ने बनाने इनके लिए नाश्ते बनाने जाते हैं, फिर देखते हैं क्या। हाँ आज तो संडे है ना, तो आज इनको निकलने का पड़ा हुआ है कि भाई हम नूडल्स खाएंगे और हम घर से बाहर जाएंगे, फिर वक्त मेरे घर को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे सब टॉयज पहले में है। मलमल के साबुन हट नहीं रहा, वो स्किन में अब्सॉर्ब हो रहा है, वुमेन अब्सॉर्ब तो खैर नहीं होता मगर स्किन के ऊपर चिपक रहा है। बाकी ये देखे नन्ने मी अपना लगे में खिलौनों का अंबार कमरे में फैलाया हुआ है, गद्दियां फेंकी हुई है। एक तो ना जब मरते मरते हम मर जाएंगे मगर ये काम नहीं खत्म होगी, ऐसी बात है ना लेडीज, हम लोग समेट के जाती है पीछे से नए काम फिर बिखरे हुए। ये देखो जरा ये कैसे अपना मस्त माहौल होके बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आज आपने कोई बात नहीं करनी हमसे, एज यूजुअल काका कह रहा है मैं तो बात ही नहीं करूंगा, ठीक है। तो गाड़ी इन्होंने ले ली है मगर गाड़ी पे बैठते हुए अब इनको डर लगता है, इनके भाई साहब की मेहरबानी से इन्होंने ड्रिफ्टे मार के ना कार को ऐसे ऐसे करके तो उनको डरा दिया गाड़ी पे बैठने से। बाकी अभी देखते हैं नाश्ते वाश्ते बनाते हैं, नाश्ते में आज क्या है, पराठे हैं, रात की बची दाल है, एक आध टिक्की हम लोग कर लेंगे साथ में, और हमारा तवा गया है तप, तपते तवे को जरा हम हल्का करें, ये देखें कैसे इसके ऊपर से धुएं उठ रहे हैं, ये देखिए। तो अभी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर देना, और अभी देखते हैं क्या क्या आज की दिन की रूटीन में होने वाला है, सब करेंगे आप लोगों के साथ शेयर, मगर सब्सक्राइब मस्ट है। A few moments later. तो गाइस आपकी बहन की सुबह सुबह पार्सल आने लग गया, पता नहीं क्या चीज आ गई, पूछते हैं बेगम, ए बेगम मेरे तो हाथ काम रहे हैं भाई, क्या मंगवा लिया पार्सल, क्या सुबह सुबह तुम्हारे आने स्टार्ट हो, क्या हो गया पार्सल में भाई, अब ये देखो ये दान पुरुष इधर बचा कर रहे हैं, घर में घूमे जा रहे हैं, ये देखो ये है हमारा, ये आता है कि नहीं आता जरा चेक कर, रिमोट है टीवी का, हद है यार हद है, क्या हुई मतलब कि इतना छोटा पार्सल भी दराज से, हद है दीदा, मैं यार क्या चीज है गाइस, ये देखो गाइस, ये पार्सल, ये देखो मैं तो ये पार्सल तक ये रिमोट के बंदे से मंगवाने का फायदा नहीं होता क्योंकि बंदा ला के देता नहीं है, जब भी होता है नहीं इसका तो मिलेगा नहीं, रहने तो क्या करना है, टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे रोड़े बालों को जरा इग्नोर करना, सुबह सुबह कंगा नहीं मारा मैंने, खाना अच्छा बनाने की बात करूँ तो भाई मुझे फिर जहाँ से मिलता है मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, मसला है आपको भाई, छोड़ दो यार, मतलब इतने का पार्सल है जितना उसका किराया लग गया, भाई एक रुपए का किराया नहीं पड़ा मुझे, डिस्काउंट मिला था 100 रुपए का ही है बस, 100 का पार्सल, अच्छा 100 का पार्सल 200 रुपए किराया, आए 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 चुप।
मैंने अलग चीजें अलग अलग ज्यादा सारी चीजें मंगाई थी जिसकी वजह से ना मेरे ऊपर कोई नहीं लगा ठीक है ना। मतलब 100 का 200 रुपया उसके ऊपर डिलीवरी खर्चा है। वेल डन, मैं कह रहा हूँ क्या औरतें मेरी बहन है, तुम लोग भी इतनी समझदार हो, इतनी समझदार तो कमर्शियल रूप बताएगा ठीक है। तुम्हारे चक्कर में मेरा पराठा जल गया, ठीक है तुम्हारी बचत हो गई, तुम्हारे मैं खिलाऊंगी, देखो एक साइड पे लगा हुई है, बातें करवा लो इन लोगों से, बस उनका काम आता ही नहीं है, लोग बातें करवा लो। तो बातें बातें भी तुम लोगों को करनी होती है। तो गाइस आज है संडे, गाइस आज है संडे का रोज, संडे वाले रोज ठीक है, आज हम कोई काम नहीं करेंगे। हमसे सबसे पहला काम तो ये है कि दूध लेकर आओ, दूध भी लाते हैं या वो भी ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा भाई? ऑनलाइन वो तू मंगवाती रहती, इसमें कौन सी बात है? मेरी बात सुनो, खुले दूध की चाय पीने की आदत है मुझे, समझ रहे? जाकर लेकर आओ। क्या बात है? वो कह रहा है बस बस और नहीं देखना। A few moments later. ओए मुस्तफा, भाई तेरी अम्मा किधर गई? तू उधर किचन में आ गया, तू उधर शेफ बनने का बहुत शौक है, मेरी बात याद रख, इधर देख मेरी तरफ। भाई ये ज्यादा इन कामों में मत घुस, जब तेरी शादी होगी तो देख ले, शादी होगी तेरी तो नानी तेरे को बोला करेगी आदर किचन में मेरे को ये बना के दे, नाश्ता बना के दे, रात के खाने बना के दे, सच बता रहा हूं, मत इतना अच्छा बनने की कोशिश कर, मत बन। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी सुनने, एक चाय बनाई और उसको क्या सिखा रहे हो? अगर बना देगा तो कोई मसला तो नहीं होगा ना? वो जो सारा दिन खिलाए पिलाएगी इन लोगों को, तो वो अगर बीमार होने पे बना देगा तो मसला है क्या? बीमार होने पे नहीं, औरतें फ्री हो जाती, मैं आपको बता रहा हूं, औरतें फ्री ऐसी हो जाती है जब इन्हें पता चल गए बेटा इनका या क्या हो गया। तो बड़ी फ्री हुई हो ना, है दूध भी अभी तक ला के नहीं दिया, खड़ा हुआ है जाओ मेरा भाई, छोड़ दो दूध, मेरे आखिरी सहारे हो तुम जाके ले। ये सहारा है? सहारा है, तुमने तो किनारा कर लिया ना, तो फिर यही सहारा है। अच्छा मैं ड्रामेबाजी नहीं करो ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, ज्यादा फ्री ना हो, नानी तेरी रोज करके नाश्ता बनवाएगी। मैं कह रहा हूँ तुम ये देखो, ये देखो कबाब की टिकिया कितनी नन्ही मुन्नी है, कबाब की टिकिया नहीं टिक्की की भी टिक्की है, इतनी छोटी यार। अच्छा बताओ किधर है मेरे बादाम किधर है? तो गाइस आप लोगों को पता है, जैसे कि आपको पता है सीरी चल रही है हमारी, कौन सी सीरी चल रही है? ये गंजा सीरीज, गंजा सीरीज आपको पता चल रही है। गंजा सीरीज के अंदर ना आपको पता है हमने ना अपने ठीक है बालों शालों के लिए अच्छी अच्छी चीजें खानी पीनी है, वो उसके बारे में आपको पता ही होगा ठीक है। ओए होए मास्टर, दिन तो बड़ा प्यारा चढ़ा हुआ है, अभी बाहर की रोशनी है, हमें तो भी पता चला है मास्टर, बाहर से देखो कैसी हवा आ रही है। क्या हुआ? ओए भाई, ओ भाई बात सुन, ओ तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी, ये बड़ी ठीक है, हाल चीज है भाई, ये खाने की है, खाते हैं। हाँ खाओ, कैसे खाओगे ये? आपको आपने ली कहाँ से भैया, मुझे बताओ किसने दी आपको? तो भाई ये क्या बनाया तूने? सोफा बना दिया भाई, ये कारपेट है नीचे बचाने वाला, भाई इसे किसने दे दी यार? ये क्या कर रहे ड्रामे, ये पकड़ो इसकी कीमत बताओगे कितना महंगा? तो उससे महंगा तकी से, तकी से महंगा तो क्या तकी से महंगा? पागल हो गया तू, क्या पागल हो गया, क्या बोल रही है? तकी से महंगा नहीं है, मगर ये है कि ना ये बर्बाद करने के लिए नहीं है भाई, गंजा सीरीज। तो गाइस अगर आपको चाहिए ना आपके बाल, खबर एक ही खाओ ना, नहीं एक ही दो खाऊंगा, आपको चाहिए आपके बाल तो इतना की चीजें सर्दी में खूब खाओ, ये अंजीर है बादाम है, तो थोड़ा अपने ऊपर खर्चा कर लो, इन औरतों पे खर्चा कर करके ना कर करके पागल नहीं हम लोग ने होना ठीक है, मुझे थोड़ा तो अपने ऊपर खर्चा जरूर किया करे ठीक है। क्या हो गया इन औरतों के? सुर्खी पाउडर, इनकी परफ्यूमे, इनके कपड़े, बेचे पाउडर, कपड़ों की शौकीन हूँ मगर मैं मेकअप ज्यादा नहीं लगाती हूँ। क्यों? कभी आप लोगों ने देखा मैं शादी ब्याह के अलावा मेकअप लगाते हैं तो कमेंट में बताओ। ऐसे खाओ क्या चावल? चैनल पर सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई लाइक करो, चावल हुआ क्या? चावल ना ना लाजमी खाया करो, ये औरतें सारे कहा जाएंगी? इसका दिमागी माला हिल चुका है। मैं किसके साथ जा रहा है? बाबा नहीं जा रहे कहीं भी, तो उसको बोलना पड़ेगा ना। तो गाय ये देख लो छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा, ये जूतियां पहन के तैयारी कर रहा है भाई, दूध लेने के लिए आपका भाई जा रहा है, मैं नहीं जा रहा भाई। क्या हो गया, क्या हो गया, कितने दफा दफा करवा रही है चीजों, क्या हो गया भाई? क्या मुरे देखा ना, तेरे को मुझसे बोला था मत कर, चमचा उठा के धोया भी नहीं है, दाल में मार दी है, दिमाग खराब ना हो तो बताओ क्या हो? नहीं तो भाई क्या हो गया, तेरे को बोला था दादा औरतों के काम में मत पड़, ये अभी तेरी माँ तेरी बेइज्जती कर रही है, कल को तेरी नानी भी तेरे को ऐसी मतक्का लगाएगी, नानी मतक्का लगा, तू पहले तेरे ना मतक्का ना ला लो, इससे पहले क्या हो गया भैया? देख तो गाइस ये देख लो कितनी खतरनाक हो रहा है, खतरनाक हो रहा है भाई, वो जो खतरनाक हो रहा है, मैंने जैसे कोले की तरह दाम निकाले में, कैसे दिमाग खराब ना करो, कैसे क्यों कर रहे हो, कैसे बस कर दो, बस कर दो, देखा मैंने बोला ये दूर रहे औरतों के कामों से, कि हमारे पास दाल आ गई है, इतनों को खाया भूख लगी तेरे को, क्या बारात भेज रहे हैं, दूध की थैली लाने भेज रहे हैं, जाओ यार जल्दी निकलो, चलो तकु कहाँ जा रहा है? भाई बाबा जा रहा है, वो जो भाई के साथ जा रहा है, चलो चलो सारे सारी पलटन जा रही है, जाओ जल्दी जल्दी से दूध लेके आओ। तो गाइस अभी हम इनका दाना पानी, इनका भी नाश्ता करवा देते हैं इनके, तो बाद में ध्यान मुझे तुम्हें आना है, किसने रखे हुए ड्रामे, ड्रामे इनके देख लो। तो गाइस ये दाना तो है इनके पास, फिर भी चेंज करते पानी वगैरह चेंज करते हैं, और कबूतरों क्या हाल है तुम लोगों को? ठीक ठाक। A few moments later. तो गाइज यहाँ पे देखो ये नन्हे मियाँ ने क्या किया, पाउडर कर दिया सारा जाया जी, गुस्से में, किस चक्कर में ग्लास लिए इनसे तो इनको गुस्सा आ गया, लो जी सोने पे सो आ गए, जाना छोटी चमगादड़, ये भी कम नहीं।
अच्छा ये पाउडर से खेलते नहीं है, सांस की नाली में जाते हैं। ये देखो अपनी औलाद को संभाल नहीं सकते हो। मैं नाश्ता बना रही हूँ, पाउडर कर दिया पाउडरी में। औलाद को भी मैंने संभालना है। हाँ नहीं तो आपकी औलाद पाउडरी है, बच्चे है ये पाउडरी के, ये पाउडर सूंघ रहे हैं ये। औलाद भी ठीक है, माँ को भी मैं ही संभालू, औलाद को भी मैं नहीं संभाल सकते। तो शादी क्यों की तुमने, शादी ना करते अगर संभाल नहीं सकते। ओ भाई दे दो, ये क्या बना हुआ है, ये देखो इधर आओ ये देखो क्या बना हुआ है, देखो हालात देखो इसके। अब ये सोफे पे कूदेगा भाई, ये बचपन है होता रहता है ऐसा। और ऐसे अब्बा जान बिगाड़ने वाले हो तो बचपन में और भी बड़ा कुछ होता है। सब कुछ ये देखो, यहाँ पे जहाँ जहाँ जाने चिपकेगा वहाँ वहाँ यह खराबी पैदा करेगा है। सकून से बैठो ये दे दो मुझे, कानों में मोरे ना करो। थैंक यू इतना खुश होता जब इसको बोलो थैंक यू। हमारे जो ना वो ऐसा साथ के साथ खेलता है ये बंदा। आखिरकार मुस्तफा चाय के लिए दूध लेकर आ चुका है, इसमें डालती हूँ मैं पत्ती। अच्छा इस मैंने लगा लिया नाश्ता और ये मेरा बच्चा पानी लेकर आया, थैंक यू सो मच। ठीक है चलो जी अभी नाश्ता वाश्ता करो। अभी तुम्हारे अब्बा जान पता नहीं कहाँ गायब हो गए, बुला के लेकर आओ यार उनको। कहाँ निकल जाओगी तुम, खाने में सारा निकल जाओगी। ओ भाई देखो ये क्या कर रहा है, ये देखो सबसे पहले ये जो है ना चमचे, इन चमचों को कर दो गायब मुस्तफा। इससे पहले ये जो है ना सबके ऊपर लेयर लगाया, कबाबों में भी इसने दाल की लेयर लगा दी है, फिर पता चले चाय की लेयर लगा दे। तो जल्दी से जो है ना हम चमचों को कर देते हैं गायब। आप लोग बताना गाइस, अगर आप लोगों के घर में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तबाही डालते हैं चमचों से खाने डालेंगे, तुम तबाही डालोगी। क्या कहता था मेरे बच्चों को कुछ बोलना मत, मेरे को जानता नहीं है। ले लो ये जो बिना वजह बोलने वाले बाप होते हैं ना जहरीले लगते हैं भाई। पकड़ो अपनी चमचे को, भाई का दूसरा नाम दत्तू बाबा। हाँ तो यही काम है हमारा, करो जो करता है, बच्चे ऐसे ही होते हैं। करके खाना खा लो, बच्चों समेत नीचे भेज दूंगी घर से। हाँ धमकाने नहीं, मैं धमकाने वालों में से नहीं हूँ। तो भाई कलेश नहीं डालना, कलेश बिल्कुल नहीं डालना, यहाँ पे आराम सुकून से अपने बच्चों की साइड नहीं लेने, बैंड बज जाएगी। बिस्मिल्लाह यार, की है तेरी उसकी मर्जी जो मर्जी खाए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये मेरे निन्ने मुन्ने से चूजा नहीं करके आया, ठंड लग रही है इसको, ये देखो जरा चुप गया, ये किसके अंदर तौलिए के अंदर चुप गया। और यहाँ पर देखो, ये देखो जरा गमजदा बंदा। यू क्या हुई है, हेलो हेलो। तो गाइस हमें फुल इग्नोर करते हुए कवाली वगैरह सुन रहे हैं, सुरूर में डूबा हुआ है बंदा है। तो हम जो है ना नन्हे मियाँ के लिए कपड़े शपड़े लेके आते, ओए 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 इसके ऊपर मुंह रख लो ये, ऐसे सो जाओ तुम, सोए कितने स्वीटू लगते हो, कसम वाली बात है, सो जाओ। ये देखो ऐसा नहीं लग रहा, वो छोटी सी तितली जो है वो ऐसे जब छोटी होती है तो इस तरह लगती है, सूंडी जिस तरह होती है, नन्नी मुन्नी सी सूंडी मेरी सूंडी, हेलो। तो गाइज मैं इसको पहनाती हूँ कपड़े शपड़े से पहले, बीमार से मारना हो जाए। आप लोगों को पता है बच्चों को तो ऐसी ठंड लग जाती है, भले से गर्मी चल रही होती है मगर बच्चों को ठंड लग जाती है। हाँ जी कहा हुआ है, उठ गए हो? तो गाइज इसको मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहनाती हूँ, फिर करती हूँ आप लोगों के साथ बातचीत। इस बंदे का कोई माहौल बना है, पता नहीं कौन सा माहौल बना है। बाकी आप लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आ रही है लाइक करना। जो बंदे कहते हैं ना बिलास साहब चुप नहीं रह सकते, तो आज देख लो ये बंदा चुप करके बैठा है। मैं नहीं मानता। गाइस इधर देख लो कवल से, ये भी ना सर के ऊपर ऑयल वगैरह लगवा रही है। कौन था, खोपरे का ऑयल जाना? हाँ खोपरे का ऑयल है, मेरे औलाद को जाना, मेरा सब त्रास नहीं है। ओए तक्कू क्या कर रहा है, ये समझते अम्मा की फेंटी लग रही है, आगे अम्मा को फेंटने लग जाते हैं। ओए तक्कू क्या हो रहा है तेरे को भाई, क्या हो रहा है, उनको भी तेल लगा दे। अल्लाह ऐसे मेरा सर दर्द कर रहा है, यकीन करो। क्या है गुस्सा कर रही है बच्चे पे जाते, और क्या करूं, अब्बा मजे ले रहे हैं। अब्बा कह रहे हैं मेरी भी कसरें निकाल रहे हैं। ओ भाई मैंने कभी सोचा नहीं मेरी बेगम को मारने के बारे में, ठीक है। अच्छा तुम्हें मारने के बारे में सोच रहे हैं, तुम्हारी औलाद मेरा जीना आराम ना करे। नहीं क्या मतलब, बदले ले रही है मेरी, ये तुम कह रहे हैं ये ले फूल जा तुम्हें माफ किया। Meanwhile ये देख लो इस बंदे ने, नन्ही मखलूक ने हमें जंपी नहीं करवाने दी, खुद आगे बैठ गए अम्मा के आगे। यकीन करो ये देख लो माशाल्लाह से, वो बार बार कह रहा था अम्मा तू उठ 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 मेरे को कर दो। अभी देखो कैसे सुकून से बैठ, ये देख लो ये बिल्कुल ना बिल्कुल अपने बाप पे गया है, मैं चंपी अपने बाप पे गया है, मेरा सुकून बर्दाश्त। ओ भाई जितना तेरे को सुकून दिया मैं ना, सुकून रास नहीं आगे मेरे को, फूल मारे गुलदान मारने लगा था मेरे को। वो दे वो कह रहा था चंपी करवानी थी, तो पहले बोल देता डफरा क्यों मेरी नानी तो तंग कर रहा था। मैं
हैं? वो बदतमीज है, तुम बाप बेटे सारे मिले। अच्छा हम बदतमीज है, तुम बदतमीज नहीं हो। मेरा सर दर्द कर रहा था, मेरी इसके बाद मेरी चंपी भी करो। मेरी बंदी ने ऑफर लगाई, उसने कहा भाई आप मेरे से चंपी करवा, मगर मजा लेके मेरी चंपी करने दी। तो उसने ठीक है, तुमने उसे की भी किया, क्या हुआ? ये लड़के जो है ना, ये बिलाल साहब पे गए, इन सबके बाल टूटते हैं बिलाल के। अच्छा तुम लोग गंजी होने वाले हो? ना टेंशन लो, तुम लोग का बाप ठीक एक्सपेरिमेंट कर रहा है और ये एक्सपेरिमेंट तुम लोगों को भी करवाया जाएगा, ठीक है? टेंशन नहीं लेने का। अभी मुस्तफा आ जा लाइन में। क्यों आज सब चंपी डे? सारा दिन तो भाई मेरे को भी चंपी अच्छी से करोगे, ठीक है? देख लो बाकी आपके भाई ने ठीक है अच्छी चीजें खानी स्टार्ट की है, 8 घंटे की या 6 घंटे की नींद भी पूरी ले रहा हूँ, उसके बाद स्प्रे वगैरह भी कर रहा हूँ। मेरी मेडिसिन खत्म होगी, मेडिसिन मैंने लेके आनी है, बाकी अभी तक हमें कोई रिजल्ट के पता नहीं चले, ना कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और कोई बेनिफिट भी नहीं है। ज्यादा जाना उस पर सवार ना हो तुम, ठीक है? क्या कहते हैं, घोड़े पे, हवा के घोड़े पे सवार मत हो तुम, क्योंकि इसकी दवाई के ऊपर डॉक्टर ने कहा था कि 4 से 5 महीने आपको रिजल्ट आने में पता चलेगा। तो गाइस मेरे को बहुत टाइट भूख लग रही है और मेरा दिल कर रहा है मैं नूडल बना लूं, तो भैया चुहिया से पूछते हैं मैं नूडल कैसे बनाऊं। ए भैया बता मैं नूडल कैसे बनाता हूं? अच्छे, क्योंकि आपको यहां से पता लग गया कि मैं कैसे बनाता हूं, तो आपको अभी नूडल बनाने के बाद आपसे बात करते हैं। अच्छा तो गाइस अभी नूडल देखिए कहां तक पहुंचे हैं, और गाइस आपको आपको इन नूडलों की रेसिपी बताते हैं। पहले पानी डालो, नूडल डालो, मसाला डालो, 10 मिनट के लिए छोड़ दो, फिर बाद में पक जाएंगे। तो सारे ये डायरी पर पेंसिल पकड़ो और ये डायरी में नोट करो और कमेंट बॉक्स में बताना किस किस ने नोट किया। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। 10 मिनट बाद फिर देखते हैं। A few moments later. मेरे आपके भाई के नूडल बन गए हैं, आप नूडल देखने में पागल हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता आप पागल, इसलिए आप घर में खुद ट्राई करें, इतने मजे के होते हैं ना। तो जल्दी हम नूडल देखने और ये बन गए हैं, और गए मसाला हम एंड में डालते हैं क्योंकि चटपटे हो जाए ना, इसलिए। तो प्लेट उतारते हैं, प्लेट के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मैं जब करता हूँ। ओह गाइस ये देखिए आ गई चेयर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उतर के लेते हैं प्लेट, अगर ऐसे नूडल्स डालने के और मिलाने के बाद मुलाकात होती है। A few moments later. हेलो, आपने तो कहा था मैं डाल के दिखाऊंगा व्यूअर्स, आप तो ये देखो खत्म भी कर गए हो। भूख लगी थी, भूख के आगे कुछ नहीं है। तो भाई इन्होंने पता नहीं अजीब तरीके से नूडल बनाया है, नूडल ऐसे उबाल के ऊपर मसाला डाल दिया, खट्टा चौड़ मसाला है, गले खराब कर लेना तुम लोग। हेलो, तो गाइस यहाँ पे बादशाह तो कोई नहीं रही, खाने पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है? देखते हैं, देखते क्या हो, देखते देखते खा के खत्म करके आप लोग भी बताना, अगर आपके बच्चे इस तरह बाबलों की तरह खाते हैं नूडल्स, ऐसे कोई नूडल्स लवर है तो आप लोग कॉमेंट में जरूर बताना। बाकी अभी मेरा सर काफी ज्यादा दर्द कर रहा था, सर पे ऑयल भी लगाया मैंने मगर कोई फायदा नहीं हुआ, तो अभी मैंने खाई है गोली, हो सकता है गोली से मुझे जो है ना कोई फर्क फाका पड़ जाए, फिर खाना पकाना क्या है उसकी तरफ देंगे ध्यान। हाँ बस पिज्ज़ा बनाना, तुम लोग खाओ जंक फूड, बना दूंगी भाई तुम्हें। इनसे मेरी ना वो प्लेटर के दिन वाली बात हुई हुई थी कि भैया आप खाएंगे तो हम आपको बना के देंगे। A few moments later. गाइस नूडल खा गए इनके बड़े बहन भाई और ये उठ के प्लेटें देख रहे हैं। बदतमीज़ तुम लोग सबूत नहीं मिटा सकते थे, मेरा मासूम बच्चा मासूम दिख रहा मेरा, देख रहा है वो खाली प्लेटें हैं। मुस्तफा साहब, तो मुस्तफा साहब यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, इनके बाबा साहब इनको जरा सेट मेट कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई? झूला झूलने। तो भाई खेलने भी जा रहे हैं, झूला झूलने भी जा रहे हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है और इनको एक संडे का दिन मिलता है, सारा हफ्ता पढ़ने पढ़ाने के बाद स्टडी करने के बाद तो एक संडे का दिन मिलता है। इस दिन छह दिन पढ़ते हो और आज के दिन इंजॉय करते हो? वाल है वो तुम, छल्ली जा रही है पीछे, जा जा अभी। हाँ तुम अपनी पोनी करवा के जाओ, ऐसे नहीं जाना पटावा बम लेके। लो जी वो नन्हे मियाँ भी नस पड़े भाई, हम नहीं जाने का, हमारा सर कर रहा दर्द यार, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा भाई क्या हो गया आपको? ये बंदा हिलेगा नहीं, हिले चलो, ये बंदा हिलेगा। संडे एक होता है हमारे पास ड्रामे, तुम लोग नहीं खत्म नहीं होते, हद है तुम लोग भी, तो गाइस देख लो इनके पास ड्रामे नहीं खत्म होते। हमें तो संडे का दिन भी ना मिलता आराम करने के लिए, तुम लोग के पास हर एक दिन है आराम करने। आज पे जाऊंगी यहाँ पे धरना दे दूंगी, कोई खाना नहीं पकाऊंगी, आज संडे का दिन आगे स्वाद है। तो गाइस देख लो ये लोग ना घर पे ही होती है, घर की महारानी है, घर की शहजादी, इनके पास हर दिन की काम होता है, हर दिन की छुट्टी भी होती है। तो हमारे जैसे मुलाजम बंदे होते हैं बाहर जाते हैं घर से बाहर, इनके लिए रोजगार पाव आटे का, 10 किलो आटे का, किलो आटे का कमा के लेके आते हैं ये। अच्छा गाइस यहाँ पे जाना, बच्चे निकले हुए खेलने और तकदीर लेने उधर भाग रहा है, उसको फिर पकड़ लेते हैं, फिर वो भाग जाते हैं। उधर पता चल गया ना। हाँ जी ताकी का देख रहे हो? मैं नहीं बताऊंगा ऊपर आने। तुम लोग सारे क्यों ऐसे मुंह लटका के बैठे हुए, खेलना चाहिए नहीं? मामा का वेट कर रहे हैं, मामा आएगी, मामा आएगी फिर इसी के ग्राउंड में लगा रहे हैं, ग्राउंड 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 बनेगा। हां तो ये इसके जूते कहां है भाई? घर से जूते पहन के निकला, जूतियां वो पड़ी हुई है, क्या चाह रहे हो मुस्तफा साहब? क्या हो गए, ऐसे लग रहा सारे पिट पिट आके बैठे हुए हो। हेलो जी आ जा,
तो गाइस तकिया में ये कह रहा है कि बाबा ऊपर ही खाएंगे, तो क्या जाए। तो गाइज आप लोगों ने ये हमें कमेंट्स करके जरूर बताना है, संडे वाला रोज आप लोगों का कैसा गुजरा है, आप लोग कहीं घूमने फिरने गए हो, अम्मी के घर गए हो, बहन के घर गए हो, अपनी नंद के घर गए हो, हाला के घर, मासी घर, चाची घर, मामू, ताया, ये वो किसी के घर गए हो, या सारा दिन आपने अपने घर पे ही गुजारा है ऐसे आराम करके, या घूमने फिरने गए हो, कहीं भी गए हो, तो कमेंट्स करके जरूर बताएं, इजहार करें संडे का दिन आपने कैसा गुजारा। और हमारा संडे का दिन राम स्कूल से सो के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मोबाइल इस्तेमाल करके आप लोगों से बातचीत करके अभी हम जाएंगे इसकी अम्मी के घर। तो बाकी आज के व्लॉग के जरिए एंड करते हैं, उम्मीद है पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन पे जरूर क्लिक किया करें, और इंशाल्लाह कल एक न्यू व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।